समण संघ वी द पीपल, हम भारत के लोग, कुछ खास बातें हैं। समण संघ पब्लिक से पैसे नहीं लेता, ना ही कभी पैसे लेगा, ना ही चंदा लेगा, ना ही रसीद बुक छपाएगा, ना ही लोगों के पास जा जाकर कहेगा हम मर गए, आरक्षण चला गया, नौकरियां चली गईं, हमारा सब कुछ चला गया, हमको पैसे दो, हम संगठन हैं, हम आंदोलन करेंगे, हमको पैसे दो। इस तरह से कभी संघ जैसा जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो कभी ऐसा काम नहीं करता। ये छोटे छोटे उन लोगों के काम हैं पैसे इकट्ठे करने के, जिनको बदलाव से, क्रांति से, परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना परिवर्तन करते हैं, अपना बदलाव करते हैं। पहले पैदल चलते हैं, फिर स्कूटर पर आते हैं, फिर कार में चलते हैं, फिर जहाज में उड़ते हैं, फिर वो घर मकान जायदाद बना लेते हैं, और समाज वहीं का वहीं जैसा बाबा साहब छोड़ के गए थे, बल्कि उससे भी पीछे चला गया। उससे उनको कोई लेन देना नहीं है और वो उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि पैसा एक बहुत अहम रोल है जो हमारा पतन कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। हमने पैसा ये सोच कर दिया कि ये संगठन अच्छा काम करेंगे और ये हमारे अधिकारों को रोकेंगे, हमारे आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे, हमारी हिस्सेदारी और सरकार में बढ़ाएंगे, हमारे लिए फ़ायदा होगा। मगर जैसे जैसे हम उनको पैसे देते रहे, वैसे वैसे संगठनों की संख्या बढ़ती रही। एक के दो, दो के चार, चार के आठ, के सोलह, के बत्तीस, के चौंसठ, के 128, के 256, 512, 1024 और 2048, और ऐसे करते 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 वो 29 लाख संगठन हो गए सभी तरह के मिलाकर। और इसका कारण संगठन तोड़ने वाले नहीं हैं, इसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम सभी को पैसा देते हैं। कोई संगठन जो छोटी संस्था है वो बिना पैसे के नहीं चलती। तो पैसा आता कहाँ से है? वो लोग तो कमाते नहीं हैं, ना उनके ऊपर कोई, उनके पास कोई फैक्ट्री है, ना संसाधन है। तो या तो पैसा बाहर से आता है जो हमारे नुकसान के लिए है, या जो हम पैसा उनको देते हैं उससे वो लोग बनते हैं और टूटते हैं। तो संगठनों में तोड़ने में जो पाया गया, जो रिसर्च की गई, जो पाया, वो पैसा एक अहम रोल है। और जैसे जैसे संगठन टूटते गए, वैसे वैसे हम लोग टूटते गए, हमारे अधिकार चले गए। इसलिए अपने अधिकारों को बचाना है, फिर दोबारा से सब लोगों को इकट्ठा करना है। तो आज से, अभी से ही सभी को पैसा देना बंद कर दीजिए। चाहे कोई कितनी भी दलील दे, कितना भी रोए, कितना भी पीटे, कितना भी डराए, कुछ भी कहे, पैसा मत देना। पैसा तब देना जब सारे संगठन इकट्ठे होकर एक हो जाए, एक सामाजिक संगठन, एक राजनीतिक संगठन, एक धार्मिक संगठन, धर्म का संगठन, एक लड़कों का दल, बल, सेना, वॉलेंटियर, शक्ति, फोर्स, जितने भी मिला के जो लड़कों का होता है, एक संगठन हो जाए, एक फाइनेंस का स्ट्रक्चर बने, एक ही संगठन हो, और एक ही एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो। इस तरह से जब ये सारे सारे और एक ही सामाजिक हो, इस तरह से जब ये सारे स्ट्रक्चर एक हो जाए और वो सब भी एक हो बाद में, जिसको संघ बोलते हैं, तब आप पैसा देने की शुरुआत करना। फिर आपका पैसा एक ही जगह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बुद्ध विहार बना रहा है तो पर्ची कटाने आता है, कोई पुस्तकालय खोलता है तो पर्ची कटाने आता है, कोई कार्यक्रम लगाता है तो पर्ची कटाने आता है, कोई बुद्ध का कार्यक्रम लगाता है, बुद्ध गीत माला लगाता है, बुद्ध का फंक्शन लगाता है तो पैसा लेने आ जाता है, कोई 14 अप्रैल मनाता है तो पैसा लेने आता है, दफ्तर में 14 अप्रैल मनती है तो पैसा अलग, मोहल्ले में 14 अप्रैल मनती है तो पैसा अलग, शहर में 14 अप्रैल मनती है तो पैसा अलग। हजारों रास्ते लोगों ने ढूंढ रखे हैं और परिणाम उल्टा बिल्कुल जीरो। जो अधिकार बाबा साहब लेके आए थे वो भी चले गए। तो समण संघ पैसे नहीं लेता, यानी वी द पीपल, हम भारत के लोग, पैसे नहीं लेते पब्लिक से। हमारे कोई खर्चे भी नहीं है, क्योंकि हम वही पुराना पैटर्न एडॉप्ट कर रहे हैं जो पैटर्न बुद्ध से पहले था। एक चौपाल होती थी जो फ्री की होती थी, उस आंगन में, चौपाल में सब इकट्ठे होते थे और अपना खाना साथ लेके आते थे। तो यहाँ भी जितने भी लोग मीटिंग करते हैं वो अपना खाना साथ लेके आते हैं, और अगर खाना साथ लेके नहीं आएंगे तो खाना अगर होगा तो उसका पैसा देके जाएंगे। यानी कि होटल से खाना आएगा या रिजॉर्ट से खाना आएगा या कहीं दूर से लोग आ रहे हैं और वो खाना नहीं लेके आ सकते साथ, तो जितने की थाली होगी, जितने खाना होगा, 100-100 रुपये का, तो 100-100 रुपये देंगे, दो खाएंगे खाना अपना ही, हर हालत में अपना खाना खाएंगे। और पराठे लाने का नियम ये है जो लोकल मीटिंग होती हैं, कि आप 4 पराठे अपने लिए और 2 पराठे उस व्यक्ति के लिए लेके आइए
जो दूर से आ रहा है, जो बीच में से आ रहा है, और सब मिलके पराठे एक साथ खाते हैं और अचार के साथ लेके आइए। तीसरा, समर संघ के अंदर व्यक्तिवाद नहीं होता, नेतागिरी नहीं होती, नेता पैदा नहीं होते यहाँ पर। क्यों नहीं होते? क्योंकि संघ में कोई नेता बन नहीं सकता। संघ में लोग इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, कोई समस्या आती है तो संघ के सामने रखी जाती है। संघ तभी हाथ के हाथ तय करता है कि इसमें क्या करना है, तभी बहुमत से उसको पास करते हैं। जैसे कोई बात हुई, उस पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में नियम बना, उस पर बहुमत से पास हो गया, फिर वो सबको मान्य होता है। वही संविधान में नियम बाबा साहब ने दिए हैं, जो समर संघ के पुराने नियम हैं, जो बुद्ध से भी पहले के। तो समर संघ में कभी व्यक्ति को नेता बन ही नहीं सकता, नेतागिरी का या व्यक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि गणपति कौन है, यानी जो समर संघ है, जो गण है, गण का मतलब लोगों का समूह है, उसका पति कौन है, तो वो थोड़े बहुत समय के लिए संघ ही उसको चुनता है, यानी गण ही उसको चुनता है, मगर उसके पास कोई पावर नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति सारी गण के अंदर ही होती है, परिषद के अंदर होती है, गण परिषद के अंदर होती है, और जो संघ है उसके पास ही रहती है। तो ये जितने भी लोग हैं, तो इसकी मेंबरशिप कैसे होती है? जो व्यक्ति समण में पैदा हो गया, जो समणा है, जो समणी है, जो पैदा हो गया, चाहे जो माँ के पेट के अंदर बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जेल में है और अपनी सजा काट रहा है, वो सब इसके मेंबर होते हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है। इसकी मेंबरशिप की कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। दो तरह के मेंबर इसमें होते हैं, एक आम हो गए, सारे के सारे जो समण हैं वो इसके मेंबर हैं, आज के समय उनको SC ST OBC बोलते हैं, या जिन्होंने अपना मत परिवर्तन कर लिया है, जैसे कोई अलग अलग मत में चला गया है, वो समण में पैदा हुआ है, वो भी समण है, तो वो सब इसके नॉर्मल मेंबर हैं और स्वतः ही मेंबर हैं, अपने आप ही मेंबर हैं, किसी ने बनाया नहीं है, उनका राइट है, बाई बर्थ जन्म सिद्ध उनका अधिकार है कि वो समण संघ के मेंबर हैं, जन्म सिद्ध। कुछ इसके एक्टिव मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, 500, 1000, 2000, 3000, गिनती बढ़ती जा रही है। अभी तो सुना है कि लगभग 10,000 से ऊपर जा चुके हैं पूरे देश में और बाहर। तो उनमें से कुछ जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको स्पोक बोला जाता है। स्पोक मतलब वक्ता, प्रवक्ता, जो महापुरुषों ने बात कही है उस बात को बताने वाले वक्ता लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उनको कोई अलग से पावर नहीं है, उनके पास अलग से कुछ नहीं, बस वो इकट्ठे होते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, मगर निर्णय सारे सामूहिक होते हैं, संघ में ही होते हैं। तो ये जो संघ है, समण संघ है, ये समण संघ क्या करेगा? ये समण संघ सब लोगों को जब इसमें इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ये अपना काम खुद करता है, यानी इसको कोई नियम थोप नहीं सकता। जैसे 26 दिसंबर को डॉक्टर्स की मीटिंग है, 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ के अंदर, तो वहाँ सारे डॉक्टर्स बैठेंगे और वो सारे डॉक्टर्स समर संघ के बच्चों का, बूढ़े लोगों का, जवान लोगों का स्वास्थ्य के अंदर कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और वो समर संघ के डॉक्टर अपने नेता खुद होंगे, उनके ऊपर कोई नेता नहीं होगा, डॉक्टरों का नेता कोई और नहीं हो सकता, डॉक्टर खुद अपने नेता होंगे, वो खुद निर्णय लेने के लिए काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो खुद निर्णय लेंगे जो समर संघ के फेवर में होगा। हिस्सा और पार्ट वो समर संघ के ही रहेंगे, यानी रहेंगे परिवार के अंदर ही, मगर अपना फैसला खुद करेंगे, ये इसका नियम है। ये समर संघ की स्थापना किसने की? दरअसल समर संघ विद द पीपल की स्थापना भारत के जो समर लोग हैं उन्होंने की है, बुद्ध से भी पहले जो लोग थे उन्होंने की है, क्योंकि जो वज्जी वैशाली के अंदर जो वज्जी लोग थे, एक बार बुद्ध कहते हैं कि वैशाली के वज्जी लोग सन्निपात बाहुल करते हैं, यानी सम्मेलन करते हैं, जिसको सन्नीचर्या, सनीचर्या, शनिचर्या, शनिवार बोलते हैं, वो सन्निपात बाहुल करते हैं पुराना, यानी एक साथ बैठते हैं, एक साथ निर्णय करते हैं, उस निर्णय पर चलते हैं, इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा वो बताते हैं। और खुद जो बुद्ध थे, उनके जो शाक्य, जो उनका कबीला था शाक्य कबीला, वहाँ पर एक बार जब वहाँ गण परिषद हुई, वहाँ संघ बैठा, तो संघ में निर्णय हुआ कि कोलियोन हमारा हिस्से का पानी ले लिए जाते हैं, तो उस पानी के पीछे झगड़ा करना चाहिए, हमको युद्ध लड़ना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम, चूँकि उस समय तक बुद्ध नहीं बने थे, नौजवान थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये युद्ध नहीं लड़ने का जो निर्णय था, ये संघ के खिलाफ था, क्योंकि संघ ने एक निर्णय लिया तो उस पर चलना था। तो बाकायदा उनको सजा हुई, तीन प्रकार की उनको सजा हुई, जिसमें से एक सजा उन्होंने चुनी, उस शाक्य वंश को, उस नगर को, उस कपिलवस्तु को छोड़ने का, छोड़ दिया और वो घर से चले गए। तो संघ से बड़ा कोई नहीं होता,
यहाँ तक कि सुद्धोधन के पास सबसे ज़्यादा खेत थे, वो भी संघ से बड़े नहीं थे, तो संघ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो संघ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, अभी सीख रहे हैं क्योंकि पुराना सिस्टम है, भूल गए लोग। वैसे तो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर रखा है, पूरी दुनिया ने इसको लागू कर रखा है। जिन जिन लोगों ने अपने संघ बना रखे हैं वो बड़े सुखी हैं, उनके कोई एट्रोसिटीज़ नहीं होती, उनके ना कोई बाल काटता, ना उनकी कोई मूंछ काटता, ना कोई कुर्सी से भगाता है, ना कोई गाली देता है, ना उनके बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, ना उनकी हत्याएं होती हैं, ना कोई उन्हें उत्पीड़न देता है, कहीं उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सब इकट्ठे हैं, संघ में हैं। ये जो समण जो लोग हैं जिनका असली में संघ था, जो संघ के दावेदार थे, वही बिखरे हुए लोग हैं, इसलिए उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं। जब बहुत तेज़ी से वो संघ में आ जाएंगे तो ये एट्रोसिटीज होनी बंद हो जाएंगी। तो समण संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता, यानी जो समण हैं उस समय भी राजा अलग होता था, जो पसंजीत राजा है वो अलग राजा था, जो कौशल नरेश था, और जो शाक्य लोग थे उसके कौशल राज्य के अंदर आते थे, पर उनकी अपनी गण परिषद अलग थी जहाँ वो अपना नियम चलाते थे, इसलिए राजा के नियम वहाँ लागू नहीं होते थे। गण परिषद में राजा के नियम नहीं, राजा का क्षेत्र जरूर था मगर नियम उनके खुद के चलते थे उनके जीवन यापन में। तो वो राजा को कह सकते थे कि राजा हमारा ये नियम ऐसा है, ये नियम ऐसा है। ठीक वैसे ही जो समर संघ है वो कभी जीवन में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स लोग समर संघ के हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो तो इसका हिस्सा है। तो समर संघ ये कहता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी होकर आएं और समाज का समर संघ का लाभ करें और बैलेट पेपर लेकर आएं आज की स्थिति के अनुसार, ऐसा समर संघ कहता है। मगर समर संघ किसी को पॉलिटिकली अप्रोच नहीं करता, किसी एक के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि संघ बहुत बड़ा होता है और संघ में सारी की सारी पार्टियां आती हैं, जो समणों की पार्टी हैं वो सब आती हैं, इसलिए वो अपनी पार्टियों में भेदभाव नहीं कर सकता। मगर सबसे ये कहेगा कि आप इकट्ठे होकर आइए, अभी संघ दोबारा से बन चुका है, थोड़ा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, सारी पार्टियां तो ऑटोमेटिक इसमें आएंगी ही, सब लोग इसमें आएंगे, तब जैसा लोग निर्णय करेंगे वैसा सबको मानना पड़ेगा। यही संघ का सिद्धांत है और यही संघ की परिकल्पना है और यही संघ का नियम है। तो संघ से फायदा क्या है? संघ से फायदा है कि जो संघ में रहता है, इकट्ठा रहता है, उसको सुरक्षा मिलती है। कैसे मिलती है? जैसे 2 करोड़ सिख संघ में रहते हैं तो कनाडा में जो उनके लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग वहाँ रहते हैं, मगर वहाँ उनके साथ कुछ और होता है तो वो पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ती है और गवर्नमेंट फिर कनाडा से बात करती है और कनाडा में फिर उस आदमी का समाधान हो जाता है। ऐसे ही जब संघ में सारे लोग आ जाएंगे तो संघ में किसी के साथ कुछ होता है तो संघ उसको देखेगा कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो गवर्नमेंट से कहेगा कि इस व्यक्ति के साथ ये हुआ है, गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ेगी और गवर्नमेंट आपका वो काम करेगी अगर आप संघ में हैं तो। और अगर असंघ में हैं, बिखरे हुए हैं, तो कोई बात नहीं मानता, क्योंकि जंगल का ये सिद्धांत है कि जो जानवर अकेले अकेले रहता है, अकेले अकेले भटकता है, उसका शिकार हो जाता है, वो मारा जाता है। जो झुंड में रहते हैं वो बच जाते हैं, चाहे वो मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं वो बच जाती हैं, चाहे भेड़ें हैं, चाहे बकरियां हैं, चाहे हिरन हैं, चाहे घोड़े हैं, चाहे ऊंट हैं, और यहाँ तक कि शेर भी ताकतवर है, वो भी झुंड में रहता है, इकट्ठा रहता है संघ में, तभी बचता है। अगर अकेला शेर कहीं फंस जाए तो गीदड़ों का और कुत्तों का झुंड उसका शिकार कर लेते हैं अकेले। ऐसे बहुत सारे केस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि जब शेर अकेला हो तो कुत्ते उसके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, भेड़िए उसको नोच लेते हैं। इसलिए ताकतवर लोग भी संघ में रहते हैं और हम तो पैदाइशी संघी हैं, क्योंकि हमारा तो संघं शरणं गच्छामि हमारा ही है। बुद्ध ने हमारा संघं शरणं गच्छामि पूरा नियम बना के दिया है, जिसको विनय पिटक के नियम बोलते हैं, और ये वी द पीपल समर संघ उन्हीं विनय पिटक के नियम और जो संविधान के नियम है उन्हीं से चलता है। यहाँ जिंदगी में कभी भी व्यक्तिवाद नहीं होगा, ना ही यहाँ कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ व्यक्तिवाद आगे है, या ये पब्लिक से पैसा इकट्ठे कर रहा है, या यहाँ मेंबरशिप ऊपर नहीं है, सबको ये साथ लेकर ही नहीं चलता है, आप कह सकते हैं कि अब ये समर संघ नहीं है, संगठन है, संघ कभी ऐसी हरकत नहीं करता। इसलिए आप जहाँ हैं जैसे हैं, जितनी जल्दी हो सके समर संघ से जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपके बच्चों का सुरक्षा होगी, आपका फायदा होगा। जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ वहाँ फायदा होगा, जब जब जुड़े हैं तब तब फायदा हुआ है, अब जुड़ेंगे तो अभी फायदा होगा, क्योंकि संविधान कहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संविधान में भागीदारी, यानी कि जितनी जिसकी जनसंख्या
उसकी उतनी हिस्सेदारी संविधान में रहती है। अगर 51% आपके पास लोग हो गए तो संविधान आपकी सारी बात मान लेगा। जैसे 2 अप्रैल 2018 को जब आप सड़क पर आए थे तो सारे लोग आए थे, नेता नहीं आए थे, मगर फिर भी संविधान ने आपकी बात मान ली। जैसे किसान सारे इकट्ठे होकर आए, टाइम उनको जरूर लगा मगर संविधान ने उनकी बात मान ली। वैसे ही अगर आप हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे तो आपकी कोई बात बिगड़ेगी नहीं, कोई एट्रोसिटीज आपके साथ होगी नहीं, क्योंकि 2 करोड़ जो सिख हैं वो इकट्ठे रहते हैं, उनके साथ कोई एट्रोसिटीज नहीं होती है। आप इकट्ठे होके देखिए, इकट्ठा होना आपकी जिम्मेदारी है, इकट्ठा होना आपका महापुरुषों का पुराना काम है। आप समण संघी हैं, संघी हैं, संघ में आइए, संघ में रहिए, आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी, आपका धन धान्य बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और सब चीज़ आपकी दुनिया में सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।